बढ़िया वहां पर क्रीज के पीछे डालने के प्रयास में इस बार सही वापसी करते हुए नजर आए गेंदबाज और बल्लेबाजी की बात करेंगे अशोक और उनके साथ है अक्की और वो निर्धारित 10 ओवर के मुकाबले में ये पहला ओवर बैटिंग पावर प्ले का एक बाएं हाथ का गेंदबाज लेफ्ट आर्म और राउंड विकेट इस बार बढ़िया ड्राइव है मगर फील्ड सेटलमेंट बहुत बढ़िया वहां पर सीधा वहां पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी द्वारा गजब की फील्डिंग और देखिए इस प्रकार की फील्डिंग ही आपके टीम के लिए कुछ रन बनाने का काम रोकने का काम करती है और सामने वाली टीम को ये कह सकते हैं कि आपका यहां पर आसानी से रन इस तरफ से नहीं निकाल सकते। एक गजब की फील्डिंग एक तेज तर्रार शॉट भी बल्ले से निकला अशोक के और ये लीजिए यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें भी लगा कि ये गेंदबाज कीपर से जाके क्यों मिला और फिर पता चला कि यहाँ पर एक उंगली ऊपर उठी और वो एक स्टंप यहाँ पर बिल्कुल नीचे बॉटम पर लगने के बाद वो गति इतनी थी कि वो संपर्क उस गेंद को रोकने में काफ़ी नहीं रहा और गेंद लगने के बाद भी कहीं पर लगी तो वो ओवर स्टंप के पास लगी और वो पहला विकेट यहाँ पर मिलता हुआ बाड़मेर 11 स्टार का पहला विकेट यहाँ गिरा है और पहली सफलता आप देख सकते हैं बोला क्लब बोरावड़ का। एक तरफ यहां पर जाने हुए चेहरों की बात करें तो एक खिलाड़ी सुरेश मीचर और बाबू भाई और एक खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट नाम है रमेश आंवड़ा। तो गजब की जोड़ी एक स्ट्राइक बल्लेबाज और अच्छी टीम है थोड़ा मिच्योर होकी टीम आई है थोड़े सीनियर प्लेयर उनके साथ युवा यहां पर लेकर इस टूर्नामेंट में उतारना कहीं कहीं आपके खेल के साथ साथ उनको भी इस खेलों के अनुभव मिल जाना ये सब एक बढ़िया सोच है इस बार भोला क्रिकेट क्लब की बात करें तो। गोर्धन आंवला उसके बाद बढ़िया यहाँ पर युवा और सीनियर के बीच का एक बढ़िया तालमेल आपको देखने को मिलेगा। और यह बढ़िया गेंद और उतना ही बेहतर तरीके से यहाँ पर रोका बल्लेबाज अनिल सेन ने और लीजिए वो पहली गेंद पर चौका लगने के बाद बाकी की 5 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट लिया गजब की वापसी इस ओवर में करते हुए नजर आए मंगलाराम। पहली गेंद थोड़ी सी वो लाइन चुकी उसके बाद वहां पर अक्की द्वारा एक खूबसूरत क्षमा कीजिए अशोक द्वारा एक बढ़िया शॉट देखने को मिला और उस शॉट की वजह से उसके बाद वो जो 5 गेंदे उस पर मंगलाराम की पकड़ी हुई गेंदबाजी और उसके बदौलत यहाँ पर एक यॉर्कर लेन के आसपास की गेंद पर वो बैट पर लगने के बाद प्ले डाउन हुआ बल्लेबाज। तो लीजिए बीच मैदान से पहले ओवर की समाप्ति का इशारा और वो 5 रन और 1 विकेट की सफलता आप देख सकते हैं भोला क्रिकेट क्लब बोरावड़ के पक्ष में। एक ओवर अब समाप्त हुआ है दूसरे ओवर की तरफ यहाँ पर एक और गेंदबाज आकीब और आकीब इस बार पहली गेंद पर जिस हिसाब से पिछले ओवर की पहली गेंद भी निकली थी रेडी ब्रदर्स फॉर 4 इस बार बढ़िया तरीके से बिल्कुल लो फुलटोस गेंद को बढ़िया एलिवेशन में रखा इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ शॉट और उस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 9 रन। और आते ही आकिब का जैसे वहां पर बॉलिंग क्रीज में स्वागत किया हो बल्लेबाज ने थोड़ा सा बाहर निकले वो 2 कदम थोड़ा सा बाहर निकल कर वो कवर्स के ऊपर की वो जो बाउंड्री जो 55 कदम पीछे भेजी बढ़िया शॉट यहाँ पर फिर से इस बार जड़ में सही सटीक पीछे खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक आगे आकर वो डीप मिडविकेट का खिलाड़ी फील्ड करेगा 1 रन मिल जाएगा छोर बदला जाएगा वो दूसरी गेंद पर 10वें रन का खेल। अनिल सेन और अशोक सेन 1 विकेट के बाद ये दूसरे विकेट की जोड़ी यहां पर बाड़मेर 11 स्टार की बैट ले लीजिए भैया आपका टीम प्लेयर एक जाए बैट चेंज करवाएं जल्दी जब तक वो चलिए वो स्ट्राइक पर गए चलो चेंज कर लीजिए भैया नॉन स्ट्राइक चलिए स्ट्राइक पर है अनिल सेन आकिब चले वो तीसरी गेंद
और इस बार लेंथ और बैकअप शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और जिस हिसाब से उछली नहीं ऐसा लगा कि वहां पर लेंथ से उठ के गई हो, और इस बार थोड़ा सा वो अनुमान से नीचे रहा हुआ वो बाउंस कट के लिए अपनी जगह बनाई, मगर वो जो नीचे रहती हुई गेंद को वहां पर जाने दिया। इस बार वो नीचे रही गेंद, बल्ला सिर्फ इशारा करके गया पर वो संपर्क नहीं हो, ऑफ स्टंप पर लगने के बाद ये दूसरा विकेट आपको नजर आएगा उस 10 के बाद। और एक बार फिर से आकिब की गजब की यहाँ पर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के आसपास की वो पकड़ी हुई लेंथ और वो बैक ऑफ द लेंथ पर सिर्फ खड़े खड़े खेलने के प्रयास में सब कुछ बैट और पैर के बीच में से वो जो ऑफ स्टंप दिख रहा था उस पर जाकर लगी और बढ़िया सटीक। और एक गेंदबाज जो मीडियम पेसर होता है उसके लिए सबसे बेस्ट डिसमिसल वो ऑफ स्टंप की स्टिक और वो बल्ले और पैड के बीच में से गेंद का निकल कर जा लगना, क्या बात है क्या बात है। दूसरा यहाँ पर भोला क्रिकेट क्लब को मिलती हुई सफलता, गेंदबाज है आकिब, वही कहानी यहाँ पर ये भी दोहरा रहे जिस हिसाब से मंगलाराम ने भी पहले ओवर में पहली गेंद पर चौका खाया, उसके बाद वो 5 गेंदें 1 विकेट के साथ 1 रन देकर गुजारना, फिर उसके बाद यहाँ पर पहली गेंद पर आकिब को भी वो बाउंड्री लगी, उसके बाद पिछली जो 3 गेंदें हैं उसमें 1 रन देकर 1 विकेट इन्होंने भी निकाल के दिया है। तो चलिए वो दूसरे विकेट की सफलता, 10 रन बाड़मेर 11 स्टार। और तो चलिए MS जोक्सन और पहली गेंद पर रिवर्स करने का प्रयास, मगर वहां पर कीपर से थोड़ा सा दूर रह जाएगी, रन लेना चाहते थे मगर मना किया वहां पर एक सही कॉल, मगर पहली गेंद पर वो मैक्सिमम रिस्क देखने को मिला और बल्ला थोड़ा सा पहले कंप्लीट हुआ, बॉल फिर उनके हैंडल के आसपास लगी, थोड़ी देर वो हवा में उछला हुआ कैच, नो मैंस लैंड। और ये लीजिए चुपड़ी और दो दो इस बार यॉर्कर लेन, तो गेंद ब्लॉक के आसपास का, फिर से वो ऊपर से नीचे आता हुआ बैट और फिर से वो बल्ले और पैर के बीच का वो गैप और फिर से वो स्टंप पर लगा हुआ एक सटीक निशाना। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अक्की को फील्डर और कीपर की जरूरत ही नहीं है, और 2 बॉल्ड आउट कर दिए हैं और 10 पे जो 2 विकेट की कहानी थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली, ये तीसरा आपको नजर आएगा विकेट उस 10 के टोटल के बाद बाड़मेर 11 स्टार पर। और बल्लेबाजी के फैसले में यहां पर गेंदबाजी बल्ले बल्ले कर रही है, मनीष आए हैं, मंगलाराम फिर से लाए हैं और इस बार सीधा सटी का सामने मारा हुआ शॉट और पीछे की तरफ फील्डर तक जाएगी, 1 रन मिलेगा। अशोक अभी तक उस 3 विकेटों का खेल देख चुके हैं वहां पर जो उनके नॉन स्ट्राइकर से देखते हुए गिरे, उसके बाद उनकी एक बल्लेबाजी जो सीधे बल्ले और फ्लिक के 2-3 शॉट, ऐसा लगता है कि ये इनकी तकनीक के हिसाब से लंबा खेल सकते हैं। मंगलाराम की ये गेंद फिर से वो नीचे बल्ले के और पीछे वाला खिलाड़ी और फिर से वो एक बार उसी रीजन से निकलता हुआ ये बाड़मेर का 12वां रन, और थोड़ा सा गेंद आगे डालकर घुमाने का प्रयास, मगर अगर बिल्कुल बल्ले के सामने रहेगी, अगर थोड़ी बहुत घूमती भी है तो वो 3.5 या 3 इंची चौड़े बैट से बच नहीं पाएगी, मगर सीधे बल्ले से खिलाकर पीछे के फील्डर तक अगर गेंद जाती है तो बढ़िया गेंदबाज है मंगलाराम। इस बार फिर से ड्राइव किए, फील्डर वहां पर मौजूद है, प्रयास किया था मगर एक बेहतरीन तेज तर्रार शॉट है, एक बेहतरीन खूबसूरत ड्राइव देखने को मिली, दौड़कर पहुंचकर उस पिच तक पहुंचकर एक बढ़िया बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट, और ये है क्लासिकल क्लास और फर्स्ट क्लास लगती हुई यहां पर अशोक के बल्ले से, स्कोर पहुंचा 16 रन। और इस बार वो विकेटों के आसपास की गेंद को सिर्फ मुंह जैसे चुरा लिया हो, जाने दिया अपने पैर पर लगने
के बाद वो गेंद वहां पर लुढ़क गई, कोई रन नहीं। वन साइड में थोड़ा सा इस बार वो लेंथ जो गेंद खींची गई पिछली बार ड्राइव कर दी गई थी आगे डालने के प्रयास में, और इस बार लेंथ अपनी सही की है गेंदबाज ने। चलिए फिर से मंगलाराम चले रोड एंड से, फिर से आगे की गेंद, फिर से वो मिड ऑफ की तरफ का ड्राइव, पीछे फील्डर है मगर क्या फर्क पड़ता है, इतना बढ़िया तेज तरह ड्राइव निकला है। और इस बार फिर से अशोक, वो तीन विकेट गिरी है उसकी कहानी से क्या लेना देना, जो अपना नेचुरल खेल है उस खेल के साथ यहाँ पर एक और बढ़िया ड्राइव आपको देखने को मिली। थोड़ा सा वो क्रीज से बाहर आकर उस गेंद की पिच तक पहुंचकर उसको ड्राइव करना, और वहां पर सुरेश जी मौजूद थे मगर बहुत तेज थी उनके लिए वो, अंदर वाले फील्डर के लिए भी समय नहीं और पीछे से वहां पर लॉन्ग ऑफ के लिए भी वो समय रहा नहीं कि वो गेंद रोक दी जाए। इस बार वो बढ़िया सोच नजर आती हुई आपको, एक खिलाड़ी जहां पर मिड ऑफ था वो अब यहां पर लॉन्ग ऑफ नजर आएगा। चलिए फिर से बढ़िया सोच पर ये बैक ऑफ द लेंथ और छोटी गेंद पर मुंह फेर रहे हैं यहाँ पर इस आगे वाली गेंद के लिए, जब गेंद नहीं मिल रही थी दौड़कर उस पर पहुंचकर दो शॉट यहाँ पर बाउंड्री में लगाए थे। इस बार बैक ऑफ द लेंथ की गेंद और लीजिए वो डॉट गेंद नजर आएगी आपको उस आखिरी गेंद पर, तो तीन ओवर की समाप्ति का इशारा, मतलब ये बैटिंग पावर प्ले यहाँ समाप्त हुए और बैटिंग पावर प्ले जो समाप्त हुई उसकी कहानी ये रही कि 20 रन बनाए हैं बाड़मेर 11 स्टार और तीन सफलता आप देख सकते हैं, मिला जुला असर, तीन विकेट बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी ने अपना खेल किया। कहा जाए तो 6.67 के हिसाब से अगर बैटिंग पावर प्ले का ये एक्सपेंस ये सौदा काफी अच्छा, पर इस तरफ अगर देखा जाए तो एक अच्छा खिलाड़ी जगह 20 रन जो बने हैं बाड़मेर 11 के उसमें से 19 रन अशोक सेन के हैं, तो एक बल्लेबाज अभी भी अपनी टीम के लिए रन बनाने का खेल बेखौफ करता हुआ, बेखौफ इसलिए कहूंगा जो वो तीन जो विकेट होते हैं शुरुआती वो टीम के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं, जिसमें से दो अक्की ने गिराए और एक यहां पर मंगलाराम ने डिसमिस किया। चलिए गिरा खुला है आपकी की ये गेंद, फिर से वो विकेटों पर डालने के प्रयास में, पीछे सुरेश बिंचर मौजूद और बढ़िया एक बार में साफ सफाई से पकड़कर सीधा थ्रो कीपर की तरफ और लीजिए एक रन मिल जाएगा। आकी बाएं एक बार फिर से टीम का चौथा, अपने कोटे का दूसरा ओवर, वो पहली गेंद और बिल्कुल बल्ले के नीचे और बढ़िया ड्राइव किया इस बार मनीष ने, एक रन मिलेगा अपन लॉन्गेस्ट वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ पर और स्कोर पहुंचा 22। इस प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है, इस सिंगल डबल के साथ यहां पर दबाव हटेगा। इस बार बैक ऑफ द लेंथ और नीचे फील्डर है, देखना होगा कि ये लीजिए वो बल्लेबाज जो यहाँ पर लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रन बना रहा था, सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से ही जो रन है जो 22 है उसमें से 19 ये बल्लेबाज कहते हैं, तो उनका खेलना बहुत जरूरी था। फिर अक्की आता है, फिर से वो कहानी जो पिछले ओवर की थी फिर से दोहराई जाती है। इस बार जो पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी लेकर वो ऑफ साइड में रखकर ड्राइव करा के कैच आउट करना, मतलब आपके लिए यहाँ पर रेखी की हुई थी कि आप किस तरफ खेलते हैं और आपके लिए पीछे की तरफ खिलाड़ी रख के आपको ड्राइव बहुत पसंद है, तो आपको वो ड्राइव करवाया और आप हर बार पिछली बार विकेटों पर मार कर यहाँ पर आउट किया, जब लगा कि अच्छा बल्लेबाज है बल्ले पर खेले हुए शॉट है इस बल्लेबाज के पास, तो फिर उनको बल्ले पर खेला कर इस तरह से आउट करना तो अच्छा गेंदबाज है। ये नाम है अक्की आकीब। तो लीजिए एक नया बल्लेबाज चले वहां पर पांचवें विकेट की साझेदारी में नजर आएंगे, नाम है कमी अशोक समक जी। और इस बार फिर से वो चौथे विकेट की संभावना है, वो आहट सुनाई दी, आहट नहीं वो किनारा ही था और वहां पर कीपर से थोड़ी दाईं तरफ तेज गति से जाते हुए क्लब्स का थोड़ा जल्दी बंद हो जाना और ग्लास पर टकराने के बाद वो कली की तरफ गेंद का गिर जाना, तो वो चौथे विकेट जो यहां पर व्यक्तिगत आकीब का हो सकता था वो यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ और टीम के चार विकेट की सफलता आप देख सकते हैं। फिर से बैक ऑफ द लाइन गेंद, बढ़िया वहां पर खेला हुआ शॉट, संपर्क उतना दूरस्त नहीं पर जो संपर्क है उससे एक रन यहां पर दौड़ लिया जाएगा, स्कोर पहुंचा 23 रन।
और इस बार फिर से वो किनारा और वो कीपर के पास से गेंद का गिर जाना, और लीजिए ये बल्लेबाज, क्षमा कीजिए गेंदबाज स्टंप पर भी मार सकता है, ये गेंदबाज आपको कवर्स में पीछे प्लान कर कर कैच आउट करा सकता है, और इस गेंदबाज के वो गेंदे यहाँ पर किनारे से भी बात करती हुई नजर आई। तो बढ़िया यहाँ पर एक बढ़िया बेजोड़ गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज देखने को मिला भोला क्लब बाड़मेर, क्षमा कीजिए बोरावर की तरफ से। तो उनका ये दो ओवर का स्पेल थोड़ा सा एनालिसिस आपको अगर बता दिया जाए तो फिर वो सुनिए आप। दो ओवर 8 रन 3 विकेट, उसमें से एक ओवर इन्होंने बैटिंग पावर प्ले में किया था, वो दूसरा था इस टीम का, और उसमें दो बढ़िया यहाँ पर बॉल्ड आउट। उसके बाद यहाँ पर जो बल्लेबाज बाड़मेर 11 स्टार का जमकर अपनी टीम के लिए रन बना रहा था, उसका विकेट लिया। तो लीजिए वो कहानी समाप्त हुई चौथे ओवर की, 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर बाड़मेर 11 स्टार। अब आए हैं गोर्धन आंवला। और गोर्धन आंवला और फिर से वो एक शॉट, और जिस दिशा में खेलना चाहते थे वो इसलिए नहीं जा पाए कि गेंद का जो उछाल और वो गति बहुत तेज गति से, वो आधी गेंद बैट पर वो आधा बैट बॉल पर, वो इस तरह से वो गेंद उस तरफ से चली जाती है, अक्की एक बार फिर से पीछा नहीं छोड़ रही है, लगातार वहां पर खेल में मौजूद है, वो मौजूदगी यहां पर बॉल भी दर्ज कराती हुई आकिब वहां पर मौजूद, अच्छे तरह से उस गेंद को रोका। और आगे की बढ़िया ड्राइव है, इस बार वो उस ड्राइव को पॉइंट की तरफ अगर कन्वर्ट कर देते तो फिर आपके पास क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और ये लीजिए रेडी ब्रदर्स फॉर बोर्ड, इस बार बिल्कुल वाइट के आसपास वो गोर्धन की गेंद रखने का प्रयास, इस बार वो बिल्कुल सही तरीके से उस गेंद पर आकर उसे कन्वर्ट कर देना ड्राइव के साथ पॉइंट की तरफ, तो फिर वो गति है उस गेंदबाज की जो इस शॉट को आपको उस तरफ खेलने देती है। तो लीजिए आपने उस गति को समझा, उस गति के हिसाब से किस दिशा तक कहाँ तक वो ड्राइव बन सकता था, अगर आप उसको लेट हो गए थे तो फिर आप ड्राइव कवर्स की तरफ देखते तो वो गेंद पिच पर ही अपना दम तोड़ देती, इसलिए सही दिशा में रखा पॉइंट की तरफ से, खूबसूरत शॉट। इस बार ड्राइव लगी है और पीछे खिलाड़ी मौजूद है, तो सुरेश वहां पर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग साफ सफाई से। और इस प्रकार अगर आपको पता है पीछे आप पैरों से दूर ऑफ साइड में रखकर ड्राइव कराकर पीछे के फील्डर से एक रन देने की कोशिश में अगर रहते हैं तो फिर बढ़िया है, अगर हर बार आप अगर गेंद को अपने पेस से वहां पर निकालना चाहेंगे तो आपको ठेस पहुंचेगी, हर बार आपकी गति काम नहीं आ सकती। और इस बार लीजिए वो गति काम नहीं आएगी तो फिर स्लोअर वर गेंद और प्रयास वहां पर फाइन लेग का बढ़िया रहा, पर वो गेंद जाती रही और फिर उसके पास पहुंचने से पहले बाकी का काम यहां पर ग्रेविटी ने किया, नीचे गिरी वो गेंद और लीजिए वो एक रन भी दौड़ लिया गया, वो 30 रन की तरफ बढ़ता हुआ ये स्कोर। पांचवें ओवर का खेल आपके सामने जारी, वो अंतिम गेंद यहाँ पर गोर्धन लेकर चलेंगे, स्ट्राइक पर है मनीष। इस बार वो शॉट और खींची हुई लेंथ पर थोड़ा सा आड़ा खेलने का प्रयास, पीछे स्क्वायर लेग तक जब फील्ड होगा वो आखिरी गेंद से एक रन की जो संभावना आई थी, जो समय था वहां पर 22 गज की वो निश्चित दूरी पूरी कर ली गई, स्कोर पहुंचा वो पांचवें ओवर की समाप्ति के बाद 31 और वो 4 सफलता आप देख सकते हैं भोला क्रिकेट क्लब के पक्ष में। तो लीजिए वो 5 ओवर तक का खेल 6 के हिसाब से यहाँ पर रन बनते हुए 4 सफलता और मैच यहाँ पर पहली पारी से आधा समाप्त हुआ। बिल्कुल, और यहाँ पर पिछले दो मुकाबले देखे हैं वो एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है, और दो मुकाबले क्या शानदार मुकाबले जीती वहां पर विकेट स्पोर्ट, और अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फिर से धारू आए हैं, कितनी धार है चलते हैं ये छठा ओवर,
और ये लीजिए दार है मगर उधर पीछे तलवार है। एक शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ एक बेहतरीन और ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फोर्थ मैक्सिमम। क्या बात है इसे बल्लेबाज मनीष। और दारू की पहली गेंद स्लॉट में और उसके पीछे वो ताकत बढ़िया वो खेल जो सबसे ज्यादा रन देता है वो खेला गया इस बार फिर से। पिछली बार गेंद थोड़ी आगे थी इस बार वो थोड़ी सी पीछे खींची हुई कोशिश की गई एक रन मिलेगा। वो ऊंचाई वो ताकत वो दूर के लिए नहीं वो ऊपर तक ऊपर के लिए ले गई उस शॉट को। स्कोर पहुंचा है वो छठे ओवर की दूसरी गेंद पर 38 रन इस बार बढ़िया। और थोड़ा सा अपना निराला बॉलिंग आर्म और एक बार ज्यादा घुमा लेंगे तो बल्लेबाज वहीं पे कंफ्यूज हो सकता है। पर दो राउंड के बाद लॉर्ड होकर अपनी स्पीड बनाकर गेंद छोड़ते हैं। और ये लीजिए एक बार फिर से बढ़िया वहां पर ऑफ साइड के आसपास के एक जो नेचुरली कहा जाता है कि ऑफ स्टंप की तरफ रखें क्योंकि अक्सर यहां पर उस तरफ जो बैट की स्पीड और वो टेनिस की बॉल अगर आप लेदर क्रिकेट में ये गेंद रखते हैं तो वो वहां पे भी इसी प्रकार की गेंद के लिए कहते हैं। पर एक मामूली जो आप और वो टच एंड गो वाला खेल होता है यहाँ पर आपको ताकत चाहिए। बाहर आए और ये लीजिए बिल्कुल वो बाहर आकर उस ताकत को उस गेंद के पीछे लगाना और ये फील्डिंग सही जगह पर लगाना ये सब कुछ एक सोची समझी गेम प्लान यहाँ पर क्रिकेट सोची समझी हुई रणनीति। शॉट बढ़िया लग रहे हैं एक सिक्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिला पर यहाँ पर आप पीछे के फील्डर के हिसाब से गेंदबाजी का जो गेम प्लान है काफी बढ़िया दुरुस्त। बिल्कुल जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है पहला जो लाइन पे गिरे वो यहां पर माना जाता है। इस बार लो फुल टॉस गेंद धीमे भी फेंका हुआ लो स्लो यॉर्कर देखने को मिला और बढ़िया वेट करके वहां पर मनीष ने मेडविकेट की तरफ खेला एक रन बनेगा। तो लीजिए वो छठे ओवर की समाप्ति का इशारा। इस ओवर से 9 रन आए और वो पहली गेंद पर 6 लगने के बाद 5 गेंदों में 3 रन दिए। पहली गेंद पर यहां पर 3 गेंदबाजों को बाउंड्रीज पड़ी पहले ओवर में पहली गेंद दूसरे ओवर में पहली गेंद और इस छठे ओवर की पहली गेंद पर मैक्सिमम फिर उसके बाद वापसी बढ़िया यहां पर गेंदबाज की। और बल्लेबाज यहां पर अब थोड़ी सी एक बढ़िया पार्टनरशिप नहीं पार्टनरशिप अभी पनप रही है 5 बॉल पर 5 रन चलिए 40 रन 4 विकेट। और ये शॉट लगा है पीछे सुरेश है मगर उनके लिए वो समय नहीं बचेगा। एक तेज तर्रार ताकत से भरपूर शॉट लगा है इस बार गोर्धन की गेंद थी और सही गेम प्लान के हिसाब से देखा जाए मगर इस बार वो ताकत ऑफ साइड पर भी बढ़िया नजर आई गेंद थोड़ी आगे पाई गई और क्या बात है मनीष यू ब्यूटी। इस बार धीमी गति इस गेंदबाज के पास अपने तरकश में सारे बाण पड़े हुए हैं वो ताक पे रख के नहीं आए हैं। और इस बार पिछली बार जो तेज गति पे आपने वो शानदार बाउंड्री लगी तो ये इस गेंद पर वो धीमी गति की चाल वापसी वाली गेंद और सब कुछ यहाँ पर सवाल खड़ा कर कर चली गई। फिर से तेज गति की गेंद ऑफ साइड के आसपास रखने के प्रयास में थोड़ी दूर खेलाने के चक्कर में रह गई तो वाइड का इशारा बीच मैदान से 45 एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग। और इस बार नहीं पिछली बार जो नीचे रह गई थी इस बार वो पीछे तक जाएगी। एक बढ़िया यहां पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ मनीष के बल्ले से एक खूबसूरत स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। जीत दादावत अगर मैदान पर हो तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। जीत दादावत निम्बली के प्लेयर। और इस बार लीजिए वो वापसी वाला खेल विकेट के साथ खेला गया। इस बार वो धीमी की
धीमी गति की गेंद आपको देखने को मिली, बिल्कुल आगे की तरफ थी, और जो छक्का चौका मारने का शौकीन बल्लेबाज होगा इस प्रकार की गेंद को धीमी गति कटती हुई को उस गेंद की फिराक को नहीं देखेगा, पर वो फिराक में थी कि गेंद किनारा पकड़ने की वो कोशिश उस गेंद की, और उसके बाद वो शॉर्ट थर्डमैन का फील्डर और बढ़िया कैच होता हुआ यहाँ पर। और ये पांचवा विकेट मनीष 12 में 23 और उसमें 2 स्पिनर्स मैक्सिमम और एक रेड ब्रदर्स 4 देखने को मिला। तो लीजिए आधी टीम का सफर यहाँ पर समाप्त हुआ, 5 खिलाड़ी यहाँ पर पेविलियन में। विक्रम नए बल्लेबाज, तो बढ़िया यहाँ पर जैसे ही दो एक बढ़िया चौका लगा, फिर एक बढ़िया वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्स, इसके बाद गोर्धन ने अपनी चाल छोड़ी नहीं और फुल लेंथ पर वो धीमी गति का गेंद और वो आगे रखकर बल्लेबाज को खेलाना, तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर फुल लेंथ गेंद छक्का या चौका नहीं होती। इस बार धीमी गति का गेंद था वो कैच आउट हो गए थे, इस बार ये तेज गति की गेंद से बढ़िया लेंथ पर रखने के बाद जगह बनाई, मगर वो गति बल्ले के लिए काफी नहीं थी कि वो बल्ला उस पर चल सके। तो चलिए और ये लीजिए फिर से वो बल्ला चला, फिर बाद में वो गेंद पहुंची, फिर लीजिए वो 7वें ओवर का इशारा और 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर बाड़मेर 11 स्टार। अब यहां से 18 गेंदों का खेल बचा है, 5 विकेट हाथ में है। विक्रम अभी नए बल्लेबाज आए जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, कमी जहां पर उनकी बात करें तो वो 9 गेंदे खेलकर अभी भी वहां पर 8 बनाकर मौजूद। बिल्कुल 5 रन यहां पर पेनल्टी और आप किसी भी प्रकार का मीठी सुपारी पान मसाला आप सेवन नहीं कर सकते, उसका यहाँ पर वो 5-5 का यहाँ पर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो 51 थे वो अब यहाँ पर 46 हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बराबर यहाँ पर मैदान के चारों तरफ एनालिसिस कर रहे हैं और जहां पर भी थोड़ी बहुत कमी हो वहां पर ड्रिप चढ़ा दीजिएगा आप। सुमित आए हैं और सुमित की पहली गेंद, अगर आपके पास धीमी गति का स्लो यॉर्कर है तो वो तेज गति वाले यॉर्कर से बेहतर कहलाता है इस छोटे फॉर्मेट में। वो गेंद यहां पर पहली गेंद पर सुमित द्वारा डाली गई और वहां पर बल्लेबाज ने भी इंतजार किया और वो बढ़िया ड्राइव और 1 रन मिलेगा, मगर काफी अच्छा रीड किया उस गेंद को और बढ़िया तरीके से जिस दिशा में उसका जो अंजाम हो सकता है वो ड्राइव यहां पर खेला। और एक आवाज आई है, क्या मैं सही सुन रहा हूं? देखना होगा अंपायर का इशारा। बिल्कुल एक हाथ आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, ये गेंद कब पकड़ी जाएगी और फिर वो इशारा बिल्कुल। और 9 बॉल यहाँ पर एक फ्री हिट मिलती हुई जो यहाँ पर दूसरी गेंद थी वो 2 रन देके जाएगी और वो दूसरी गेंद वापस यहाँ पर डालनी पड़ेगी सुमित सोनी को। तो चलिए फ्री हिट की गेंद सामने है बल्लेबाज कामी, देखते हैं क्या होता है इसे फ्री हिट पर। लो फुल टॉस गेंद खेलने का प्रयास और फिर वो रन लेने का प्रयास और सीधा थ्रो, लीजिए बुल्साई, क्या बात है, क्या गजब की फील्डिंग और सीधा थ्रो। तो लीजिए फ्री हिट पर ये इस टूर्नामेंट में दूसरी बार ऐसा हुआ कि रन आउट कोई आउट हुआ है और रन आउट ही होता है, वो यहां पर एक सीधा थ्रो देखने को मिला, एक हाथ फिर से यहां नजर आया। और लीजिए 9 बॉल यहां पर, जैसे यहां पर स्वागत कर रही हो नए बल्लेबाज का कि आइए आपको भी बिल्कुल वही जो पिछले गेंद पर जो कहानी थी वो दोहराई जाएगी, आते ही उनको पहली गेंद
जैसे यहाँ पर गेंदबाज कह रहे हो कि बल्लेबाजी क्रीज में आपका स्वागत नहीं सुस्वागतम है। तो लीजिए पहली गेंद पर, यहाँ पर अगर आप इस गेंद पर स्ट्राइक करते हैं, अच्छा शॉट लगता है, तो फिर जो आप मिडिल ऑर्डर में आए हैं और डेथ ओवर चल रहे हैं, तो वो शॉट आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस देगा कि आप शॉट यहाँ पर आगे की गेंदों पर भी लगा सकते। चलिए उस फ्री हिट का खेल, लो फुल टॉस गेंद और वो लेग स्टंप के आसपास की गेंद फिर से दोहराई जाएगी, वो फ्री हिट तीसरी बार फिर से नजर आएगी, क्योंकि ये गेंद वो तीन विकेटों की श्रृंखला से लेग साइड में दूर और वाइड हो जाएगी। इसी बीच फर्स्ट मैच के जो हमारे मैन ऑफ द मैच है उनको हमारे गेस्ट अमर सिंह जी बनियाना आप पधारे हैं और उस खिलाड़ी को ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और चेक दे। अमर सिंह जी हुकुम पधारे और लीजिए यहाँ पर चलते हैं उस मुकाबले की तरफ का भी, वो खेल यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। उसके बीच में इस पहले मुकाबले के जो जीत दादावत मैन ऑफ द मैच है उनको हमारे गेस्ट वो मैन ऑफ द मैच के लिए वो ट्रॉफी और चेक यहाँ पर देकर जीत दादावत। तो चलिए फिर मुकाबले की तरफ, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमर सिंह जी बनियाना और फिर चलते हैं आगे की तरफ। वाइड यॉर्कर तरफ डालने का गेंद और ड्राइव किया है और शानदार फील्डिंग और दो रन बचाए अपनी टीम के लिए, गजब की फील्डिंग, गजब का एफर्ट और पीछे हेलो, तो लीजिए इस बार हेलो का जो फर्नीचर था वो पूरे से कोलैप्स हो गया था। इस बार थोड़ा धीमी गति का गेंद गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे। दारू आए हैं, तो चलिए ये आठवीं विकेट की जोड़ी आपके सामने तुषार और राजू की। दारू फिर से चले, ये इस बार फिर से वो गेंद गिरी घूमी और कीपर तक चली गई, एक बार फिर से वो स्लोर वन उसके साथ वो घूमता हुआ बॉल बढ़िया। यहाँ पर जो बॉलिंग आर्म है उसको भी देखना है, उसके बाद उस हाथ में उस गेंद को घूमते हुए भी पढ़ना है, मुश्किल हो जाता है इस ऐसे गेंदबाज के सामने गेंद को पढ़ना। इस बार फिर से वहां पर वो गेंद को फ्लिक करना चाहते थे पर यहाँ पर इस बार और इस बार ड्राइव करना चाहते हैं मगर इस बार फिर से अगर सीधा और दारू और देखना होगा। दारू ने भी रन दौड़ा
और अभी तक वो रन रुका नहीं है जिसको पहली बार दौड़ने की कोशिश में यहां पर लगता है। तीन बार दौड़ गए, दो बार जीतू विष्णु आए एक बार इधर। तो चलिए, बढ़िया ड्राइव था और उसके बाद वो सीधा थ्रो नहीं, और एक बार ऐसा लगा रन के लिए नहीं, रन आउट के लिए दौड़ रहे थे पर वहां पर सीधा थ्रो बचा। उसके बाद ओवर थ्रो से वो पहला रन तो एक रन के लिए भी नहीं था पर ओवर थ्रो की वजह से दो रन बन गए। इस बार लो फुल टॉस गेंद, फिर से वो किनारे का संपर्क और वो उसके बाद बल्ले से और फिर उस विकेट से, तो फिर एक और बॉल आउट होता हुआ खिलाड़ी। तो 63 रन के स्कोर पे गिरता हुआ आठवां विकेट है। अब न्यू बैट्समैन है अशोक नजर आ रहे हैं स्ट्राइक पे। काफी अच्छी गेंदबाजी रही आज है बोरावड़े के माध्यम से। और इसी बीच यहां पे अब की बार विकेट कीपर से गफलत हुई, गेंद सीधी फाइन माउंट लाइन से बाहर निकलती हुई चार रनों के लिए। बाइक है यहां पे चौका मिला है टीम को इन चार अतिरिक्त रनों के साथ। टीम का स्कोर है 9वें ओवर की समाप्ति तक 67 रन, 67 रन लॉस ऑफ 8 विकेट है बाड़मेर 11 स्टार। तो पहली इनिंग्स का आखिरी ओवर शेष है, 67 रन 8 विकेट है बाड़मेर 11 स्टार टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई। सुमित के हाथ में गेंद है, 10वें ओवर की पहली गेंद है, बिल्कुल फुल लेंथ गेंद है, ड्राइव करने का प्रयास किया यहां पे एलिवेशन मिलाने शॉट के अंदर और एक गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई रन की संभावना समाप्त है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे सुमित के कंधों के ऊपर इनिंग्स के आखिरी ओवर में। तो राइट हैंड में ओवर द विकेट है इसी बीच ओवर की अगली गेंद के साथ सुमित है और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और अब की बार जैसे स्टेप आउट करके अब बाहर आते हुए देखा बैट्समैन जो गेंद की लाइन और लेंथ है उसमें हल्का सा खिंचाव है, खींचा अपनी तरफ गेंद, सोच अच्छी यहाँ पे सुमित की इनिंग्स के आखिरी ओवर में जाकर के इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल काबिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है अब बोरावड़ के माध्यम से। अब ये चलिएगा, ये खूबसूरती है, ये खूबी है इस गेंदबाज के अंतर्गत, इसलिए तो इनका एक ओवर बचा कर रखा था टीम के कैप्टन ने। और तीन प्रकार की वेरिएशन, पहली तो फुल लेंथ है, फिर उसके बाद वो गुड लेंथ गेंद है और फिर उसके बाद वो पांचवा छठा स्टंप टारगेट करके गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी सुमित के माध्यम से। रन अप छोटा है, राइट आर्म ओवर है, ये खराब डाल दी इन्होंने और इस गेंद का इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल गेंद है कौ कॉर्नर बाउंड लाइन से बाहर निकलती हुई वन बाउंस चार रनों के लिए। और ये रेडी ब्रदर्स के लगे हैं चौके, पहली तीन गेंद अच्छी फिर उसके बाद वे खराब गेंद है और फुल टॉस गेंद है और इस प्रकार के फॉर्मेट में फुल टॉस गेंद डालोगे तो मार खाओगे आप। बिल्कुल कौ कॉर्नर बाउंड लाइन से बाहर चार रन और इन चार के साथ टीम का स्कोर है 71 रन लॉस ऑफ 8 विकेट है बाड़मेर 11 स्टार टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई। तो सुमित एक बार फिर तैयार हो रहे हैं, अब से कुछ देर पहले यहां पे हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई थी उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है यहां पे गेंदबाज को। तो सुमित राइट आर्म ओवर, अरे अच्छी यहां पे गेंद है खेलने का प्रयास पर चारों खाने चित बैट्समैन है और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने रन की संभावना समाप्त है।
एक बार फिर इस ओवर के अगले गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं सुमित। कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं आती तो आखिरी बार लौटेंगे इस ओवर में सुमित। राइट आर्म ऑफ द विकेट है। ये कनेक्शन कमाल का लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के साथ इस पारी का खात्मा। बिल्कुल ओवर पिच गेंद है, बड़ी गलती यहां पे सुमित के माध्यम से। आखिरी गेंद और फिर वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकला है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम 6 रनों के लिए। अब बाड़मेर लोन स्टार ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए, 78 रन का टारगेट सेट किया है भोला क्लब बोरावड़ के सामने बाड़मेर 11 स्टार ने। और बाड़मेर टीम को एक पेनल्टी लगी थी 5 रनों की, वो पेनल्टी के 5 रन यहां पे माइनस, तो 73 रन का टारगेट रहेगा भोला क्लब बोरावड़ के सामने। वो पेनल्टी इस प्रकार की लगी थी, बीच मैदान में कोई भी आप गुटका पान मसाला और कुछ अतिरिक्त चीज यहां पे सेवन से संबंधित कोई भी अतिरिक्त चीज यहां पे आप खाते हुए पाए जाते हैं तो आपके 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। वो पेनल्टी के तौर पर यहाँ पे 5 रन माइनस किए गए हैं बाड़मेर 11 स्टार के। तो यहां से अब टारगेट रहेगा बोरावड़ के सामने 73 रनों का।
मोनो 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 मंडोर तो इसी बीच 73 रन के टारगेट का चेज करने के लिए यहां पे भोला क्रिकेट क्लब बोरावड़ की टीम पीछे मैदान में है और अब बाड़मेर की टीम बिल्कुल अपनी फील्ड लगाती हुई यहां पे 60 गेंदे हैं इनके पास 73 रनों की जरूरत है इधर वो 10 विकेट है बड़ा इंटरेस्टिंग खेल रहने वाला है ये और पिछले ये कई मुकाबलों से देखते हुए आ रहे हैं अब 20-21 मुकाबलों में हमने यही देखा कि लो स्कोरिंग मुकाबले ही एक फाइटिंग मुकाबले हुए हैं एक बड़ी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी इस मुकाबले में और इसी बीच यहां पे गोर्धन और बबलू अनिल सेन के हाथ में गेंद है और इस बीच गोर्धन और बाबू तस्कर बाबू आंवला है इस बीच अनिल सेन की पहली गेंद है पहली गेंद और पिस्टम से बाहर फुल लेंथ की वो गेंद है कहने की वो फुलटोस गेंद थी ड्राइव करने का प्रयास किया वो काफी तेज गति की गेंद है सवाल जवाब है और विकेट कीपर के वो दस्ताने विदाउट रन के साथ है सेन की जहां तक बात की जाए तो ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस नहीं एक युवा गेंदबाज है 25 से 30 मैचों का एक्सपीरियंस है एक बार फिर इस ओर की अगली गेंद है और एक कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं ऊपरी क्षेत्र रक्षक शॉर्ट मिड विकेट का तैनात है और रन की संभावना समाप्त करता हुआ शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र रक्षक है और जहां तक भारी क्षेत्र रक्षण की अपन बात करें वाइडिस्ट लोंगो ने तो एक वाइडिस्ट लोंगो है बार तो स्पीच एक बार फिर सेन राइट ओवर द विकेट है और अब की बार जगह बनाने की प्रयास जरूर किया था यहां पे एक बार फ्रंट फुट पे फिर उसके बाद बैक फुट पे गए और जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बैट्समैन उससे कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद है और अंदर की तरफ भी आई गेंद है और विकेट कीपर के वो दस्ताने रन की संभावना समाप्त है पहली तीन गेंदे बिल्कुल अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिलती हुई सेन के माध्यम से तो एक बार फिर यहां पे सेन तैयार हो रहे हैं राइट हम और द विकेट है एक लंबे रन अप के साथ है ड्राइव अच्छा पर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया यहां पे आगे की गेंद फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया था जो कवर का क्षेत्र रक्षक था सीधा उसको ढूंढ लिया और रन की संभावना समाप्त है अनिल सेन ने एक बार फिर राइट हम और द विकेट है बिल्कुल स्टैंड एंड से दूर भागते हुए एक बार फिर सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ से रक्षक वहां पे तैनात और सीबीजी से एक रन के साथ है भोला क्रिकेट क्लब बोरावड़ का खाता खुलता हुआ सॉरी तो अनिल सेन ने राइट आर्म ओवर द विकेट है चलिएगा ये खूबसूरती है इस बैट्समैन के अंतर्गत और बब्बू बाबू आंवला के बैट से निकला एक रचनात्मक स्ट्रोक है और पहले ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति हुई है टीम का स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर है 10 रन है क्योंकि 5 रन वो पेनल्टी के रूप में लगे थे यहां पे तो एक ओवर की समाप्ति 10 रन है भोला क्रिकेट क्लब है बोरावड़
अगला मुकाबला रेड जोन है पाली वर्सेज निमली नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो इस बीच एक नई ओवर की शुरुआत, पहली गेंद राइट हम और विकेट खूब 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 जोर शॉट और टीसी ओवर खबर मैक्सिमम निकला है, कमाल का कनेक्शन है। और जब गेंद बैट से निकली ने के मधुर धमनी आई थी, उत्कृष्ट शॉट है जनाब है। और बहुत कम है शॉट देखने को मिलते इस प्रकार के। और चलेगा एक बार फिर रहा है ऑफ स्टंप की बार की गेंद के ऊपर, दैट इज डिफिशिएंट ड्राइव है और दिस टाइम है डीप एक्स्ट्रा कोर फेंस है, वो वन वंस पे पोरन है बैक टू बैक बाउंड्री। पिछली बार रहे वो मैक्सिमम, तब की बार वो चार रन है, एफर्टलेस स्ट्रोक है, एक करारा प्रहार निकला है गेंद सीधी गोली की रफ्तार से डीप एक्स्ट्रा कवर माउंट लाइन से बाद चार रनों के लिए। अब ये वापसी वाली गेंद यहां पे, और पिछली दो गेंदों की बात करें तो यहां पे वो जगह दी और दो बैक टू बैक बाउंड्री, उसके बाद एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और ड्राइव करने का प्रयास है और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने, रन की संभावना समाप्त है। दलपत है के हाथ में गेंद है और टीम के स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 20 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। और लॉन्ग ऑफ शतरक्षक, और ये बड़ी गलती यहाँ पे, बड़ी गलती यहाँ पे लॉन्ग ऑफ शतरक्षक के माध्यम से, बिल्कुल सोच कितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की। ये वही गेंद थी जिसमें इन्होंने बाउंड्रीज खाई थी, पर अब की बार शॉट के अंदर इतना एलिवेशन मिला नहीं, हवा में खेल बैठे और लॉन्ग ऑफ शतरक्षक के माध्यम से एक बड़ी गलती और इस बीच यहाँ पे टीम का स्कोर 21 रन विदाउट विकेट है। और ये लेग स्टंप से बाहर गेंद है, बाहर से बाहर पिच हुई है और बिल्कुल पिच मैदान से एम्पायर की दोनों बाजुएं बाहर निकली है और वाइट करार दिया। और ये काफी खराब गेंद यहाँ पे, और जानते कि घेरे की पाबंदियां चल रही है फाइन लेग क्षेत्ररक्षक अंदर, और ये गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे गेंदबाज, दोहराना नहीं चाहेंगे इस गलती को। कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है, एक क्षेत्ररक्षक इन्होंने वो मिड ऑन की तरफ भी लिया है, लॉन्ग ऑन बाहर है पर एक वो मिड ऑन की तरफ भी क्षेत्ररक्षक लिया इन्होंने, रन की संभावना समाप्त करता हुआ मिडोन से तरक्षक है। दो बैक टू बैक बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी यहां पे दलपत के माध्यम से, तो एक बार फिर सोर की अगली गेंद है और अब की बार कलाइयों को मोड़ा है, गेंद को बैकवर्ड स्कोर की तरफ खेलते हुए यहां पे निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे। दूसरे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 23 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे बोला क्रिकेट क्लब बोरावड। रेड जोन ने पाली वर्सेज निमली नाइट राइडर्स, मैंने एक बार पहले भी अनाउंस किया था, ये आखिरी बार अनाउंस है दोनों टीमों के लिए, विलंब ना करते हुए आप सीधा कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे वरना इस टूर्नामेंट में एक पेनल्टी का भी रूल्स है, 5 रन की पेनल्टी का। चलेगा कमी की कमी खेल रही थी और ये रे कमी तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ है और एक बार फिर ये अद्भुत शॉट है और ये गन फाइन लेग की तरफ गई है और अच्छा क्षेत्ररक्षण हुआ है फाइन की तरफ और सीबी चेक लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को, इसे के साथ 24 रन टीम का स्कोर है और विकेट की संभावना बनी नहीं है। 78 रन के टारगेट का चेस कर रही यहां पे भोला क्रिकेट क्लब बोरावड। अगली दोनों टीमें हमारे बीच में हैं,
कैलाश जी प्रजापत से निवेदन है कि आप इस बड़े मुकाबले का टोस्ट करवाए। कैलाश जी प्रजापत टोस्ट के बॉस। स्वीजी सोर की अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पे कमी के माध्यम से राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे यहां पे कमी, और यहां पे कोण बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली और रन की संभावना समाप्त करता हुआ विकेट कीपर। दो सामने के फील्डर बाहर दिख रहे हैं, डाउन द ग्राउंड ली है दोनों शतरक्षक बाहर है, तो एक मिड ऑन भी लिया है इन्होंने। अब ये नजाकत बड़ा शॉट है, गोविंद जी सोलंकी और कैलाश जी के माध्यम से इस मुकाबले का टॉस है। बिल्कुल आप आइएगा और इस बड़े मुकाबले का टॉस करवाएगा अपने माध्यम से। और इसी बीच में टीम की स्कोर की बात कर लेता हूं, टीम का स्कोर 25 रन है विदाउट विकेट का नुकसान पे बराबर, जो कि 78 रन का टारगेट चेज कर रही है इस मुकाबले में। नजाकत दिखाई, सीधा फील्डर ढूंढ लिया यहां पे, एक अपील हो रही है, एम्पायर्स के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, क्योंकि बैट्समैन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहां पे, और इधर कॉन्फिडेंट इनके गेंदबाज भी नजर आ रहे हैं। साथ ही फील्डरों के माध्यम से जबरदस्त अपील हुई है, समय लिया जा रहा है एम्पायर्स के माध्यम से। OUT आउट करा दे यहां पे, काफी समय लिया, आपसी समझाइश हुई इधर, और उसके बाद एम्पायर नेनाराम की अंगुली हवा में उड़ती हुई और पहला विकेट गिरा है यहां पे। तो एक अपडेट यहां पे आ रही है अगले मुकाबले के टॉस की, रेड जोन पाली ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इधर नीमली नाइट राइडर्स को क्षेत्र रक्षण करने का न्योता दिया है अगले मुकाबले में। एक और बड़ा मुकाबला आज की नाइट का, मैं लगातार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आज 8वां दिन है, और उसका तीसरा मुकाबला आपके बीच में है। और एक तरफ है भोला क्रिकेट क्लब है बोरावड़ वर्सेस, दूसरी तरफ है बाड़मेर 11 स्टार है, जिसमें पहले बल्लेबाजी की यहां पे बाड़मेर 11 स्टार ने 77 रन बनाए, 78 रन का टारगेट सेट किया, उसका अब चेज कर रही है बोरावड़ की टीम है। वर्तमान में मैं बात करूं तो इनिंग्स के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, टीम का स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पे, पहली सफलता मिली है इस ओवर में कमी के माध्यम से। बिल्कुल इनकी कमी खेल रही थी, कमी को बुलाया, और जो टीम की वो कमी है उस कमी को पूरा किया। आप सामने वाली टीम के ऊपर दबाव विकेट निकाल करके ये डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्क्रीन पर रन स्कोर दिख रहा है वो एक शेप नहीं, और सीबीचे सोर के अगली गेंद फुल लेंथ गेंद है, अलका तो सेकेंड को शॉर्ट कवर की तरफ है, खेल दिया, रन की संभावना समाप्त है। और मैं बात कर रहा था यहाँ पे टारगेट की, यहाँ पे 78 रन का टारगेट है, इस पिच के मुताबिक ये टारगेट माना नहीं जाता है, और आपको इस मुकाबले में जीवित रहना है, आप अच्छी फाइट देखना चाहते हैं इस मुकाबले में, तो आप विकेट लेकर के अब फाइट कर सकते हैं। राइट हम राउंड द विकेट, एक बार फिर यहाँ पे रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास है, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कमी के माध्यम से। 3 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। भोला क्रिकेट क्लब बोरावड़ जो कि 78 रन के टारगेट का चेज करती हुई इस बड़े मुकाबले में। कोई गलती नहीं, एक बड़ा विकेट यहां पे हाथ लगा है बाड़मेर टीम के,
और भोला क्रिकेट क्लब का गिरता हुआ दूसरा विकेट 25 रन के स्कोर पे और मनीष के ऊपर इनिंग्स का चौथा ओवर एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल इनिंग्स के चौथे ओवर में चौथा गेंदबाज इस्तेमाल कर लिया इन्होंने और वो आते ही पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई, कंधों का अच्छा इस्तेमाल, गुड लेंथ पे गेंद गिरी और टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई, अपनी जान बचाने के अंदाज में दूर खेलने का प्रयास, शॉट के नवे एलिवेशन रही नहीं भाई, हवा में खड़ी कर बैठे और एक अच्छा कैच बैकवर्ड स्कोर लेग की तरफ है, दूसरा विकेट है 25 रन की स्कोर पे। बीच 25 रन टीम का स्कोर है, दो विकेट के नुकसान पे भोला क्रिकेट क्लब बोरावड़। मनीष एक बार फिर अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद तेज गति से अंदर की तरफ आई, बीच यहां पे जो एक अतिरिक्त लेग बाई रन है अब वो लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन है, दो विकेट के नुकसान पे भोला क्रिकेट क्लब है बोरावड़ है। तो अगले मैच के लिए नीमली नाइट राइडर्स और रेड जोन पाली के बीच में वो टॉस हुआ, सिक्का गिरा रेड जोन पाली के पक्ष में, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी रही है, अब 38 गेंदे ऐसी बीच लीजिए, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ लेकिन वो फील्डर की हल्की सी फंबल हुआ और एक रन लेने का मौका बन जाएगा। अब 37 गेंदे हैं और रन चाहिए जीत के लिए 51। और पीछे जो गाड़ी में लाइट जल रही है अब वो प्लीज बंद करें। और इसी बीच ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 27 रन और 2 विकेट। यहां से अगर मैच जीतना है तो आपको विकेट से निकालने होंगे, बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी और रणनीति के तहत गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके आप बल्लेबाजी टीम पे वो एक दबाव बना सकते हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं दलपत। इस बार ऑफ साइड में वो बाहर की तरफ डाली हुई, एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। अगर आपको मैच में पकड़ बनानी है तो एक्स्ट्रा पे भी आपको कंट्रोल करना होगा और टीम को सफलताएं बैक टू बैक दिलानी होगी। इस बार दिली स्कूप और नीचे फील्डर आ रहे हैं, लीजिए एक और सफलता, कुछ अलग करने की ट्राई की, कुछ अलग करने का प्रयास है उसमें सफल नहीं हुए और विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ और कहना कि दबाव में अब आएगी टीम बैटिंग। अब नए बल्लेबाज सुरेश, यहां से 35 गेंदों का खेल शेष बचा है, 50 रन आपको बनाने, रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 के करीब करीब।
नया बल्लेबाज नई अप्रोच के साथ उतरेगा और आपको उसी का फायदा उठाना है। अभी तक दोनों ही टीम 50-50 पे चल रही है, किसके पक्ष में ये मुकाबला जाएगा कहना आसान नहीं। अच्छी गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है वहां पर और फील्डिंग भी अच्छी करी। तो लीजिए यहां पर 34 में 49 रन का खेल बाकी और यहां पर चौथे विकेट की लिए उपेंद्र सिंह और सुरेश की जोड़ी, गेंदबाज है दलपत और इस बार ऑफ साइड के आसपास की गेंद दूर रखने के प्रयास में दूरी से गुजरी और वाइड का इशारा और यहां पर एक रन मिल जाएगा उसे एक वाइड के रूप में। स्कोर पहुंचा 30 रन, 34 में 48 की जरूरत, विकेट हाथ में है पर जो रन पिछले कुछ दो ओवर से बन नहीं रहे, विकेटों का जो गिरना है वो सब कुछ यहां पर थोड़ा सा। इस बार आगे की गेंद और एक बार फिर से वो सामने की तरफ मारने के प्रयास में फिर से गेंद चली जाएगी कीपर तक और बढ़िया यहां पर अपने टप्पे पर दलपत का खेल बढ़िया। 33 में 48 का खेल और कहा जाए तो ये सिर्फ 15 रन का फर्क। इस बार फिर से वो बल्ला चला उपेंद्र का, फिर से वो बॉडी लाइन पर लगातार इसे एक बैट स्विंग को लगातार अपने शॉट से खेल रहे हैं वो, पर उस संपर्क से नहीं वो बॉल यहाँ उस बैट से मिल नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा ओवर अभी तक घट रहा है और इस ओवर में जो एक्स्ट्रा मिले ना उसके बावजूद कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी रही है, फील्ड के अनुसार गेंदबाजी रही है। इस बार बैक ऑफ द हैंड और गेंद जा रही है वो डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये लगा स्प्रिंटर्स प्रेजेंट मैक्सिमम। बिल्कुल लगातार जिस प्रयास में थे इस बार उस गेंद के पीछे सब कुछ बेहतर, वहां पर जाकर सुरेश ने बात की आप बल्ला चला रहे हैं मगर गेंद को भी इस बार रीड कर खेलेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा नहीं इस बार वो आधा दर्जन। क्रिकेट में जो सबसे बड़ा मुनाफा है वो कर बैठे इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से उपेंद्र के बल्ले से एक शानदार स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम देखने को मिला। तो चलिए यहाँ पर 31 में 42 का खेल, चलते हैं ये आखिरी गेंद फिर से आगे की तरफ और वो वही शॉट बिल्कुल सेम टू सेम जैसे रिप्ले हुआ हो और कनेक्शन भी जबरदस्त, बैक टू बैक लगता हुआ ये स्प्रिंटर से प्रेजेंट एक और मैक्सिमम। चलिए बढ़िया, यहां पर उपेंद्र ने इस बार फिर से वही शॉट वही गेंद वही दोहराया हुआ टप्पा सब कुछ जैसे कॉपी पेस्ट हो, वो आखिरी गेंद फिर से वो छे की बाउंड्री और उसके बाद लीजिए अब वो आखिरी गेंद 30 में अब 36 रनों की जरूरत। और जिस हिसाब से शुरुआती जो 5 से 6 गेंदों तक जो उनका बल्ला चला था यहां पर वो बॉल और रन्स के बीच में बड़ा वो रिक्वायर्ड रन रेट को बड़ा कर रहा था पर इस बार दो जब यहां पर सुरेश ने जाकर बात की और उसके बाद इस युवा द्वारा क्या गजब का वो दो कनेक्शन देखने को मिला। अब चलते हैं वहां पर सुरेश सामना करेंगे और इस बार लेंथ पर बढ़िया गेंद वही आड़ा खेलने का प्रयास बार चूके और बढ़िया गेंद पहले टप्पे पर, ये लेंथ काफी अच्छी स्पीच पर और पहले टप्पे पर नजर आए कमलेश आए हैं कमी आए हैं। तो चलिए राइट आर्म राउंड विकेट टू सुरेश, इस बार लो फुल टॉस गेंद और वहां पर फील्डर है इस बार और नैना राम जी वहां पर हिल भी नहीं पाए और ये कैच कंधे गेंद कंधे पर लगी आप फील्डर खुद जानते हैं कि ये अपील काम नहीं करेगी, यहां पर अंपायर का इशारा रहेगा वो होगा डेड बॉल और बड़ी गजब की गुजरी होगी नैना राम जी उनके डक करने से पहले वो ठक करके उनके कंधे पर लगी।
अरे लीजिए, इस बार वो लो फुल टॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन था, इस बार वो फील्डर ले लिया गया है पीछे, पिछली बार जो था नहीं। तो चले फिर से सुरेश, इस बार पटकी हुई गेंद से, पिछली बार जो लो फुल टॉस में फुल टॉस कर बैठे थे उस गेंद को इस बार वो दुरुस्त किया, और फिर वो लेंथ यहाँ पर थोड़ा सा वो अनुमान से जो बाउंस था उसके पीछे वो बल्ले का खेल संपर्क में नहीं। बयालीस रन बन चुके हैं, 36 की जरूरत। इस बार लगा है वो शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर तक, एक रन वहां पर बन जाएगा। अभी उपेंद्र वहां पर स्ट्राइक पर, तीन गेंदे इस ओवर से हो चुके, स्कोर पहुंचा वो 43। अब यहां पर 27 में 35 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, 27 गेंदे और 35 रनों की दरकरार। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद वो ऑफ साइड की, वो पांचवी स्टंप के तकरीब पास में से गुजरी है। अच्छी गेंद है, पड़ने के बाद जो उछाल, अमूमन वो उछाल मिलता ही है इस पिच पे। तो लीजिए बिल्कुल चेहरे के सामने बल्ले के, सब खिलाड़ी पीछे की तरफ, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और डीपेस्ट कवर, और इस बार फिर से शॉर्ट पीछे फील्डर है। और देखिए वहां पर गजब का बढ़िया तकनीकी रूप से वो जो उछाल था, वो जंप था, वो सही समय पर हुआ, इस वजह से वो तीन रन जो मिल सकते थे वहां रोके। बढ़िया फील्डिंग वहां उस फील्डर द्वारा, जब यहां पर खेल जो बकाया है वो अगर 25-34 का चलता है तो ऐसी फील्डिंग वहां पर अपनी टीम के लिए जीतने का काम करती है। अब स्ट्राइक पर वापिस सुरेश, उस पिछले ओवर में दो लास्ट गेंद पर जो पांचवी चट्टी थी उसमें 6 रन लगे थे, उसके बाद वापसी करता हुआ कमलेश इस गेंद इस ओवर में। इस बार सब कुछ वहां पर सामने था, और मगर इस बार थोड़ा सा जो चूके वो बहुत बड़ा नुकसान कर गए। फिर जो ले चलते हैं वो छठे ओवर की समाप्ति, 44 रन 3 विकेट। अब आने वाली यहां पर 24 में 34 की जरूरत, 10 रन का वो फर्क रन्स और बॉल्स के बीच में। चलते हैं मुकाबला, कल भी हमने देखा तो यहाँ पर बल्ला ले जाएं जल्दी से, तो उलट फेर में वो अलवर और जोधपुर का खेल आपको देखने को मिला, और इसी तरह से बॉल और रन के बीच में ये तो थोड़ा सा बड़ा गैप है। उस समय बॉल और रन लगभग बराबर ही थे, 33 में 33 रन का भी एक आंकड़ा वहां पर देखने को मिला जब 6 या 5 विकेट गिरे थे। उसके बाद वो यहाँ पर जोधपुर ने लगातार, समा के जी जैसलमेर ने लगातार वो विकेट लिए, फिर आखिरी जो जोड़ी थी उनको 5 रन बनाने थे पर वो 5 रन बना नहीं पाए, वो 10वां विकेट वहां पर आउट हुआ। फिर कुछ मिलता जुलता मुकाबला यहां पर फिर से नजर आया, मगर यहां पर बोरावड़ के पास बोला क्रिकेट अभी भी विकेट हाथ में, उपेंद्र जिन्होंने 2 स्ट्राइक की थी वो अब थोड़ा सा उस 2 शॉट के बाद थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच और रन बनाने के काम में वहां पर बेहतर नजर आ रहे हैं। उसके बाद सुरेश चले गेंदबाजी में आपके सामने, एमएस जोक्सन आए हैं, तो चले फिर से उपेंद्र है तैयार, और ये छोटी गेंद, और छोटी गेंद से छुटकारा नहीं मिलेगा, कुछ छूटेगा तो वहां पर मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ एक बढ़िया। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, लीजिए इस बार वो पहली गेंद वार्म अप, और थोड़ा सा हाथ से जल्दी नहीं छूटना, वो आम स्पीड भी वहां पर गेंद को फंसा कर ले गई छोटे वहां पर आधे पिच पर, और वहां पर बिल्कुल क्रीज के पीछे लाइन के पीछे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने गेंद का। और इस बार सब कुछ बढ़िया, उस पुल शॉट का वो शॉट नजर आया उपेंद्र के द्वारा, तो ये तीसरा स्प्रिंटर्स मैक्सिमम हमको देखने को मिला। चलते हैं फिर से, इस बार धीमी गति की गेंद, इस बार वो टप्पा दुरुस्त किया, और जिस लंबाई से वो जो स्लोर गिरना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप लेंथ के आसपास रखते हैं तो फिर वो बढ़िया कहलाता है, पर अगर थोड़ा सा आप छोटा या फिर आगे रख देते तो वो बल्ली धीमी गति का हो, बल्ले से बचने में थोड़ा सा वो कारगर नहीं होता। पर बढ़िया गेंद इस बार नजर आई एमएस की, और ये लीजिए लगातार एक बार फिर से बेहतर बढ़िया, और उसी प्रकार का बल्ला एक बार फिर से, जो शुरुआत में जो कहानी थी वही यहाँ पर
बुनी जा रही है उसी बल्ले से, वो बैट चल रहा है पर वो बात नहीं हो पा रही, जिसके लिए यहाँ पर वो गेंद पर प्रहार करने की कोशिश उससे मिस होते हुए। तो चलिए 21 में 28 का खेल, 3 गेंद इस ओवर से आनी बाकी, जो 7वां ओवर है। इस बार वो धीमी गति की गेंद को पड़ा है पर वो संपर्क थोड़ा सा दुरुस्त नहीं, लॉन्ग जब तक शॉर्ट लॉन्ग तक आकर फील्ड करेगा तब तक एक रन इन दो विकेटों के बीच में पूरा कर लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा 51। अब यहां से 20 में 27 का खेल, चले फिर से MS टू सुरेश, पहली बार आमने सामने वो 5वीं गेंद, और इस बार फिर से वो स्लोअर गेंद, और कभी गेंदबाज लगातार 3 से 4 स्लोअर डाल देता है तो फिर आपने नॉन स्ट्राइक से उस गेंदबाज का खेल भी तो देखा होगा। इस बार वो आड़ा लेकर उस गेंद को स्लॉक करना चाहते थे पर फिर से वो एक स्लोअर वन, और वो कीपर के दस्ताने, वो एक बार फिर से 5वीं गेंद डॉट, वो आखिरी गेंद फिर से आपके सामने, फिर से धीमी गति का गेंद और अब बिल्कुल ऊपर की तरफ हवा में ज्यादा लगी वो ताकत जो कैच आउट का कारण बनेगी। और यहाँ पर सुरेश की पारी का भी अंत, और लीजिए ये 51 पर लगने वाला 4था विकेट। तो अब यहाँ पर जो बना हुआ खेल आपके सामने, 7 ओवर 51 रन और बची हुई जो बात है और जो खेल बाकी रहा उसका आंकड़ा एनालिसिस करें तो फिर 18 में 27 रनों की जरूरत, 6 विकेट हाथ में। अब चलिए यहाँ पर एक बढ़िया बल्लेबाज सीनियर प्लेयर रमेश आंवला, तो लीजिए अगर वो थोड़ी सी बात जो छोटी छोटी चीजें जहां पर आगाह किया गया था वहां पर ध्यान नहीं दिया तो -5, वो भी याद रखें यहां पर बाड़मेर 11 स्टार। तो ये आपके साथ साथ यहां पर दूसरी टीमों को भी ये चीजें समझनी है। पर चलिए मुकाबला अभी चल रहा है, 18 में 27 की जरूरत है। स्ट्राइक पर है उपेंद्र और नॉन स्ट्राइक पर आए हैं मिस्टर डिपेंडेबल रमेश आंवला। और इस बार बल्ला चला, वो इस बार इतनी देर से जो गेंद को पीछे फेंक रहा था इस बार वो कीपर के नीचे पाई गई और कैच आउट होते हुए, और लीजिए ये 5वां विकेट 51 के टोटल पर। ये मुकाबला गजब का हो रहा है और थोड़ी सी फस कसमकस, और अगले बल्लेबाज दारू आएंगे। चलिए दो बल्लेबाज अब आपको आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल जैसे दो सलामी बल्लेबाज आते हैं, एक भी गेंद नहीं खेली हो उस स्थिति में पाए जाएंगे। और यहाँ पर 13 में 20 का खेल खेलकर कैच कॉट बिहाइंड हुए उपेंद्र, दारू आए हैं 17 में 27 10 रन का फर्क उसके साथ। ये एक विकेट का यहाँ पर एक विकेट जो मिला वो भी यहाँ पर थोड़ा सा नए बल्लेबाजों के लिए, बिल्कुल वो पहली गेंदे दोनों के लिए आनी बाकी, सब कुछ यहाँ पर फिर से नया। और 17 में 27 का ये खेल, इस बार सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, दूसरी गेंद भी वहां पर डॉट पहली विकेट के साथ थी। और चलिए फिर से गेंदबाजी में है मनीष, अभी तक की 8 गेंद में 1 रन दिया है इस गेंदबाज ने। बाहर आए चलकर खेलना चाहते थे मगर जो जंप लिया उस समय में वो गेंद का पेस उनके टाइमिंग को थोड़ा सा लेट कर गया, और फिर वो एक गेंद फिर से तीसरी गेंद वहां पर डॉट पर चली, लगातार वो डॉट गेंद यहां पर अंतराल बड़ा कर रही है। चलिए फिर से सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर है, और ये लीजिए एक और विकेट, और ये लगा है छठा झटका बोला क्रिकेट क्लब को, और बिल्कुल बीच बल्ले से लगी मगर जैसे टेनिस क्रिकेट में अगर आते हैं तो बल्ला पूरा कंप्लीट करना, और जैसे सिर्फ टाइम पर कर दिया और यहां तक अगर गेंद गई तो खुद यहां पर ड्रिल कर समझ रहे हैं कि बल्ला अंदर गेंद कैसी रही कैसे रह गई। तो लीजिए आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर वो शॉट बाहर निकलेगा। चलिए मुकाबले में थोड़ी सी यहां पर गर्मा गहमी, और लीजिए वो 5वां, बिल्कुल कल रात की कहानी एक बार क्या फिर से दोहराई जाएगी, बड़ा सवाल है, और वही कुछ देखने को मिला है। 6 विकेट से का नुकसान हो चुका है और अब आपके सामने जो टेल है ना वो नजर आएगी। तो चलिए मैदान पर चलते हैं, नेमी चंद आए हैं, मनीष क्या बात है गजब की,
और इस बार छोटी गेंद थी उठाकर खेलना चाहते थे और एक ऐसी अपील जो अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाएगी और जहां गेंद शायद आगे की तरफ ढूंढ रहे थे यहां पर पटकी हुई गेंद से बल्लेबाज का स्वागत कर बैठे। बढ़िया यहां पर लीजिए वो आखिरी गेंद, अभी तक एक भी रन नहीं दिया है और गजब गजब की गेंदबाजी, दो विकेट ली हैं इस गेंदबाज ने इस ओवर में। फिर से बल्ला चला, फिर से वो गुड लेंथ, वहां से टप्पा उछला, कीपर तक का दस्ताना लीजिए, मैडन ओवर विथ टू विकेट्स, गजब यहां पर मनीष का खेल। लीजिए दो ओवर की बात करें तो एक मैडन एक रन देकर तीन विकेट, बिल्कुल एक और दो और तीन, चार की संख्या में कुछ भी नहीं है उस आप स्लॉट देखेंगे अगर गेंदबाजी में मनीष के तो। लीजिए अब 12 में 27 का खेल, जब ये ओवर शुरू हुआ था तो 18 में 27 जीते, वो यहाँ पर 27 है, वो वहीं पर खड़े रहे पर वो गेंदे कम गए हो गई जो अब 12 बची है। हाँ जी बिल्कुल, लाजवाब गेंदबाजी रही, उसमें विकेट्स भी निकाल के दिए अपनी टीम के लिए और अब बल्लेबाजी टीम जो है ना अब बैकफुट पे नजर आ रही है और कल से क्या हम पिछले 5 या 6 दिनों से देख रहे हैं जैसे ही विकेटें गिरती है बल्लेबाजी टीम दबाव में आ जाती है। और ये लीजिए ये है मिस्टर फाइन लेग और यहाँ पर थोड़ा सा भी जो उनको मार्जिन मिलता है इनका बल्ला उस तरफ इतना बढ़िया काम करता है, जो एक नजाकत आपने देखी वो आपको बताएगी कि ये एक एक्सपीरियंस है। और जैसे वो लो फुल टॉस के आसपास की गेंद को सिप, वो गेंद की दिशा और वो 4 रन की दशा, स्कोर यहाँ पर अब चाहिए 11 में 23 और मैच जानते हैं कि यहाँ पर जो खेल है आंकड़ों का गेंद और रन के बीच में, ऐसे बहुत से मुकाबले इस बल्लेबाज ने निकाले हैं। तो चलिए एक हार जीत के बीच में खड़ा है बल्लेबाज, नाम है रमेश आंवला और इस बार फिर से वो फाइन लेग की तरफ कोशिश कर रहे थे और तेज गति का गेंद थोड़ा सा वो हाथ से बैंडल से घूम जाना बल्ले का और लीजिए यहां पर अब स्ट्राइक चली गई है नेमीचंद के पास। अगर फिर से वो पिछले ओवर का खेल खेलते हैं तो फिर नॉन स्ट्राइक पर भी दबाव बनता जाएगा। तो चलिए यहां पर फिर से चलते हैं अनिल गेंदबाज, रन चाहिए 10 में 22, 4 गेंद इस ओवर से बाकी है और लगभग गेरे के आसपास से अपने बॉलिंग मार्ग से चलेंगे रोड एंड से अनिल टू नेमीचंद और ले चलिए। क्या बात है क्या बात है, ओ आईडियोर करके ये गेंद बिल्कुल जगह पर बना कर उस गेंद पर जब तक पहुंचते तो वो समय खत्म हो गया था और तेज गति का गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, एक एक गेंद यहां पर डॉट है ना वो यहां पर प्रेशर क्रिएट करती हुई। 9 में 22 की जरूरत, 3 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए अगर समझी जाए, ये सेकंड लास्ट ओवर है, 22 रनों की जरूरत है, 3 गेंदे इस 90 ओवर से आनी बाकी, ये 3 गेंदे मुकाबले की तस्वीर साफ करती है। बाहर है शॉट लगा है और सीधा चला जाएगा लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा पीछे, वहां पर जब तक रोकी जाएगी दूसरे रन की संभावना थी मगर मना कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बचे हुए खेल की बात करें, 8 में 21 की जरूरत, ये 2 गेंदे मुकाबले की महत्वपूर्ण गेंदे, आप अगर गेंदबाजी की तरफ से देखें तो भी और बल्लेबाजी विश्लेषण से देखें तो भी। तो लीजिए वो इस ओवर की 5वीं गेंद जो 9वां ओवर है वो चलेगी अब रमेश आंवला की तरफ, लो फुल टॉस गेंद और मिड विकेट की तरफ धकेल दिया है फील्डर, वहां पर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन यहां पर मिल जाएगा और क्या बात है, बिल विकेटों के ऊपर एक सटीक थ्रो, लाजवाब फील्डिंग और उतना ही बेहतर थ्रो देखने को मिला। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी रही है इस ओवर में, पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद लगा था कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ओवर निकलेगा लेकिन अच्छी वापसी, सिंगल डबल से में ही कन्वर्ट किए, बेहतरीन गेंदबाजी बेहतरीन फील्डिंग। ले चलिए ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण, सामने है नेमीचंद और ये और नीचे फील्डर है, सिर्फ देखते रह जाएंगे और ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम और इस बार टॉप ऑफ द बाउंस, पीछे हटे जगह बनाई और उस लेंथ गेंद को क्या गजब का पिक किया है और लीजिए मुकाबले में अभी भी वो जान बाकी है और गजब का मुकाबला फिर से, एक तरफा होगा नहीं या जो होगा तो सिर्फ ऐसा कह सकते हैं जैसा कहते हैं कि ऊंट करवट किस तरफ बदलेगा ऐसा अभी तक कह नहीं सकते, तस्वीर अभी भी वो धुंधली, मुकाबले के विजेता कौन रहेंगे वो यहाँ पर 6 गेंदों के बाद ही पता चलेगा।
हाँ जी बिल्कुल, ये एक बार फिर वो लास्ट ओवर में आ गया मुकाबला, और ऊंट जो है ना किस करवट बैठेगा वो इस ओवर में पता चलेगा। वो ओवर की लास्ट गेंद और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार स्प्रिंटर्स प्रेजेंट मैक्सिमम, वो शानदार शॉट था और मैच को फिर से बना के आया वो शॉट। देखिए अब कॉन्टेस्ट इसलिए बढ़िया है, अब थोड़ी सी राहत ये कि स्ट्राइक पर है बोला क्लब 11 के सबसे बढ़िया बल्लेबाज रमेश आंवला, गेंदबाजी में आपके सामने नजर आएंगे। एमएस चले, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक है डीप स्क्वायर लेग। ओ माय गॉड, और जो थोड़ा सा सफल हुए थे और जो दो पैरों के बीच में जो क्रॉस फुटेड रह गए, उसके बाद वो लो फुल टॉस गेंद नीचे गिरता गया फ्लिक करने के प्रयास में, वो गेंद थोड़ी लेट आई और लीजिए ये लेग स्टंप पर लगी है। थोड़ा सा मुकाबला फिर से अब यहाँ पर, जहाँ थोड़ी वो पहली गेंद पर नजर आ रहा था कि भोला क्रिकेट क्लब की तरफ, अब यहाँ पर फिर से दुरुस्त करता हुआ ये गेंदबाज अपनी टीम के लिए वो खेल। बिल्कुल, कभी मुकाबला फील्डिंग पक्ष में तो कभी मुकाबला बैटिंग पक्ष में, और ये गेंद कहीं ना कहीं मारने वाली गेंद थी, स्लो डिलीवरी, वो पैरों पे गेंद और आपके पास लो फुल टॉस गेंद है, और उस साइड में फील्डर भी बाहर था, एक बड़ी शॉट आ जाती। अब वो अगर मगर का सवाल जो है ना वो नहीं रहता है, यहाँ से किस प्रकार बल्लेबाजी करती है देखने वाली बात होगी। तो लीजिए वो पांच गेंदे, वो 14 रनों की जरूरत, अब बल्लेबाज यहां पर उस दूसरी गेंद का सामना करेंगे मंगला राम। तो जिस हिसाब से स्लोर वन है, वेरिएशन है, वो अगर ये इस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो हर गेंद पर हिट करना मुश्किल होगा, पर अब यहां पर हिट भी चाहिए तो बल्ला चलता रहेगा। तो चलें, मुकाबला बड़ा कश्मकश भरा, अब ये लीजिए बढ़िया कॉन्टेस्ट है, बाएं हाथ का बल्लेबाज नजर आएगा आपको, ऑफ स्टिक इस बार बदलेगी एमएस के लिए, एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा जैसे ही यहाँ पर ये बाएं हाथ का बल्लेबाज आया, डीप स्क्वायर लेग का पॉइंट, कवर पॉइंट, और उसके बाद लीजिए डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑफ, ये चार खिलाड़ी आपको ऑन साइड में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए नजर आएंगे, और ये दो गेंदे इस मुकाबले की तस्वीर है। तो चलें, नजरें मत हटाइए, चलें यहां पर एमएस टू मंगलाराम, छोटी गेंद और छोटी गेंद यहां पर इस बार बहुत कुछ भया कर गई और सिर्फ आहां से निकलेगी, और यहां पर ये छोटी गेंद हमेशा रन के लिए आती है, और जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है वहां से चार या छह का संभावित मार्का लेके आते, उस पर वो छप्पा छोड़ नहीं पाए। लीजिए लीजिए, इस बार वो जो ऑफ स्टंप के आसपास दिशा सही थी, शायद कहीं ना कहीं वो ऑफ कटर डालने के प्रयास में छोटी रही, और जहां बल्लेबाज गेंद आगे ढूंढ रहे थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ रही। तो चलिए वो तीसरी गेंद फिर से मंगलाराम के लिए, बल्ला चला है और पीछे फील्डर दौड़ेंगे, देखना होगा वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर, और अभी यहां पर एक रन मिलेगा, नेमी चंद वहां पर स्ट्राइक पर रहेंगे, तीन गेंदे बाकी है, 13 का ये फर्क, ये दो गेंदे मुकाबले की जीत हार का लेखा जोखा क्लियर करेगी। जी बिल्कुल, तीन में 13, चलिए अब ये गेंद, ये दो गेंदे उसमें से ये वाली बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है यहां पर भोला के लिए। और बल्लेबाजी करने आई थी पर गेंदबाजी रख के फिर बल्लेबाजी करने का फैसला था यहां पर बाड़मेर 11 स्टार का, और ये शॉट चला है और नीचे फील्डर है, और ये सफलता है, और लीजिए ये लगा है एक और झटका, और अब चाहिए 2 में 13 रन, अब स्ट्राइक पर आएंगे नए बल्लेबाज और मंगलाराम को आना पड़ेगा फिर से नॉन स्ट्राइक। अगर बिल्कुल यहाँ से लगभग लगभग बाड़मेर ने यह मुकाबला जीत लिया अगर गलती नहीं करते हैं, बिल्कुल 2 सिक्स ऐसी अगर लग जाते हैं तो फिर वो 6 गेंदे फिर से आपको मुकाबले में सुपर ओवर के रूप में देखने को मिल सकती है, और अचानक से ये तस्वीर जो बदली गई, लगातार वो विकेटों का खेल और ये सब कुछ यहाँ पर बाड़मेर 11 के लिए काम दुरुस्त कर रहा है।
जब शुरुआती जो खेल था जिस हिसाब से रन बन रहे थे, जो पार्टनरशिप के में आप कहें जो लगातार बैट स्विंग की वजह से जो शॉट भी नहीं आए वो डॉट भी आती रही, ये सब यहां पर अब 2 गेंद और 13 की जो रिक्वायर्ड है वो आपके सामने। तो चलिए ये गेंद और ये मुकाबले का खेल किसकी तरफ जाएगा वो इस गेंद पर साफ नजर आएगा। चले देखना होगा। लो फुल टॉस गेंद, ये सिर्फ इनविटेशन था और वो इनविटेशन इस बार ठुकरा दिया। तो लीजिए मुकाबले में अब 1 में 12 रनों की जरूरत। अब ये वो कोई नो बॉल या उस प्रकार की गेंद वो सब कुछ अगर हो तो फिर ये मुकाबला आपके पास है। तो अब यहाँ पर सिर्फ अभी आखिरी गेंद डालनी है, वो नो बॉल नहीं होनी चाहिए, बाकी वो 6 भी चला जाएगा तो चलेगा। वो 1 गेंद 12 रनों की ज़रूरत और -5 की पेनल्टी के बाद भी यहाँ पर अपने रनों को बचाव करती हुई बाड़मेर 11 स्टार। फिर से ये लीजिए वो आखिरी गेंद गिरी के अंदर के आसपास था, रोक दी जाएगी और ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर बाड़मेर 11 स्टार ने। और अब 12 रन के साथ ये मुकाबला जीत 11 रन से ये मुकाबला जीत लिया जहाँ पर मुकाबले में शुरू में